तो गाइस अब हम आ चुके हैं बागेश्वर धाम। जैसे कि आप मेरे पीछे ही देखोगे, ये बागेश्वर धाम है। और यहाँ पे जस्ट अभी मैंने आया था और नहा कर तैयार होकर अब मैं दर्शन करने जाऊँगा। और जो नहाने की जो सुविधा है वो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से यहाँ पर देखिए, आप कभी भी आइएगा। इसकी ये है, ये लिखा हुआ है, यहाँ से आप अपना नहाना धोना, यहाँ पे प्रसाद वगैरह सब मिलता है। जैसे कि आप देख रहे हो भैया, ये जो भैया हैं प्रसाद वगैरह दे रहे हैं। और यहाँ पे पूरी खाने वाने की सुविधा है जी। तो गाइस आइएगा आप यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा इंजॉय करिएगा। अभी मैं जा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे नहाने धोने की सुविधा है। यहाँ पे अगर मान लो आप कभी कई बार कोलगेट वगैरह नहीं लाते, तो यहाँ पे सारी की सारी सुविधा है। यहाँ पे कोलगेट साबुन सब कुछ मिल जाएगा आपको। और अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ पूरी की पूरी चीज़ें, यहाँ पे क्या सुविधा है, कैसा है, तो बने रहिएगा, जस्ट बता। तो गाइस देखिएगा आप यहाँ के ये जो नज़ारे हैं, ये पहले जब मैं आया था दिसंबर में, तो यहाँ पे कुछ सुविधा थी, कुछ अच्छा था, लेकिन अब आप देखिए हाँ बिल्कुल लिखवा लिया वहाँ पे। पता नहीं गर्मी की वजह से या किसी वजह से बिजली भी नहीं आ रही है, और पानी भी इस बार थोड़ा सही नहीं लग रहा मतलब। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हमारा जो ध्यान है सिर्फ मंदिर की तरफ है। हम जो मेन दर्शन आए हैं, हम बालाजी के दर्शन आए हैं, दर्शन करने आए हैं। तो ये हो बागेश्वर धाम की। लेकिन यहाँ पे जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से ये जो पानी है भाई, देखो हमने इस पानी से नहाया है। और मतलब यहाँ पे धीरे धीरे सुधार तो होगा, लेकिन हमारे जो बालाजी हैं वो बड़े ही कृपालु हैं, सबकी सुनते हैं। आइए यहाँ पे अच्छा लगेगा। बस थोड़ी सी सुविधा है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है। चलिए फिर आगे की चीज़ें आपको आगे बताते हैं।